और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सचिन पायलट गुट के दो विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान में जबरदस्त सियासी उठापटक, और हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की जा रही थी, क्योंकि कई ऐसे विधायक थे जो सचिन पायलट के गुट में, उनके खेमे में शामिल हो गए थे। अब दो विधायक ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अशोक गहलोत पहले ही कह चुके थे कि हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जिससे सामने आ रहा है कि सचिन पायलट की बातचीत बीजेपी से चल रही है, किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की भी कवायद हो रही है। ये तमाम बातें गहलोत ने कही थी। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। षड्यंत्र, सत्ता के लालची लोग, भ्रष्टाचार के आगे मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो मुझे ये कहा था कि महाराणा प्रताप की महानता और स्वाभिमान, और हम देश महान मानते हैं, आप परिवार को महान मानते हो, मैं उसके ऊपर अपनी बात कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं उस परिवार को महान मानता हूं जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव जी शहीद हो गए, उस परिवार को महान मानता हूं, उस पार्टी को महान मानता हूं जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद किया है। लेकिन मैं गजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी, हमारे साथी विधायक चेतन डूडी जी और हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। पिछले लगभग एक महीने से राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई, 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीद कर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जग जाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया, और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। हमारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा, कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। भारतीय जनता
कांग्रेस की सरकार गिराने के षड्यंत्र के चलते भंवरलाल और ऋषिन्द्र सिंह को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। ये जानकारी यहां पर रणदीप सुरजेवाला देते हुए उनका कहना था कि भंवरलाल की आवाज ऑडियो टेप्स में है, इन ऑडियो टेप्स की जब पुष्टि कर ली जाएगी उसके आने तक इन दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, इन्हें पार्टी से हटा दिया गया है। भंवरलाल और ऋषिन्द्र सिंह पर ये एक्शन लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार खरीद फरोख की कोशिश कर रही थी और ये बात अब खुलकर सामने इन ऑडियो टेप्स में आई है, जो कल शाम को ये ऑडियो टेप्स मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। और इस पूरे टेप्स की जांच के आने तक दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है।